तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। दिल्ली सरकार का ये ऐलान है। हमारे बीच में एक साथी शायद एडवोकेट हैं, यूनिफॉर्म से ऐसे लग रहा है एडवोकेट है। सर आपका नाम? भावेश कुमार तमोली। भावेश कुमार तमोली। तमोली जी, तमोली जी आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आज यहाँ आने का? क्या हमारे साथियों ने बुलाया है कि वहाँ एक प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे शायद, इसलिए हम वहाँ आए हैं। वो आगे पता लगेगा कि क्या कार्यक्रम है, क्या है क्या नहीं है, तो हमारे डॉक्टर साहब ही वो बताएंगे ज़्यादातर डिटेल्स। सर अभी बताया कि हमें पता नहीं, हमारे साथियों ने बताया कि आज केजरीवाल जी आ रहे हैं और इसमें और भी मंत्री आ रहे हैं, तो आज का क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम में आने का? सर ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी ये सोच है एससी एसटी के बच्चों के लिए, लोगों के लिए, कि प्रतिभा है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे बीच में जो सम्माननीय मंत्री जी हैं राजेंद्र जी, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि दिल्ली प्रदेश में जो गरीब समाज के लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको बाधा गरीबी के कारण जो है नहीं होगी। अगर प्रतिभावान बच्चा है तो हम उसकी जो है पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीड़ा उठाया है, तो गरीबी और गरीबों के बच्चों के लिए उन्होंने पूरा जो है सहयोग करने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको जो है किसी तरह का गरीबी का उनके ऊपर जो है असर न पड़े, उनका पूरा सहयोग दिया जाएगा, दिल्ली सरकार करेगी, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें, समाज आगे बढ़े और उनका विकास हो और इस देश में नाम रोशन करें। आइए और जानकारी लेते हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गांव तुगलकाबाद से हैं। तुगलकाबाद से आप क्यों आए सर यहाँ आने का, क्या कारण है, मुख्य कारण? अपने नेताजी के उसमें आए, मतलब प्रोग्राम में हम बाबा साहब डॉक्टर साहब के उसमें मनाने के लिए आए हम यहाँ पर, क्योंकि जब हम संगठन होंगे, एकता होगी हमारे अंदर, जब भी तो हमारी कुछ दूसरे भी सुनाई करेंगे। जी जी, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या नाम है सर आपका? हरदयाल सिंह नाम है। हरदयाल सिंह जी, हम जाकर समाज में इतना अत्याचार हो रहा है इस हिंदुस्तान में, हमारे हमारे ऊपर हमको हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि हमारे बच्चों के साथ भी, और हमारी नौकरी भी बंद कर दी, रोजगार ख़त्म कर दिए। और मैं तुगलकाबाद गांव रहता हूँ, मेरे गांव में हमारे जाट मोहल्ले में पीने का पानी नहीं है, जबकि पूरे गांव में है। दिल्ली के अंदर ऐसी हालत है? दिल्ली के अंदर क्यों, गुर्जर समाज का दबंग है वहाँ, उन्हीं के नेता हैं, MLA भी, MP भी, और हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। कहते हैं कि आप तो BSP को वोट देते हो, आप तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हो, इसलिए हमारे यहाँ मोहल्ले में पानी की इतनी समस्या है, पूछो मत, पूरे गांव में पानी आ रहा पर हमारे मोहल्ले में नहीं आता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है जी। भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, अभी गांव बताया कि वहाँ आज तक भी दलित समाज या बहुजन समाज को कहें, या अभी जैसे एक सर जी बोल रहे थे ज्ञानचंद जी की, जाटव समाज के यहाँ जो पानी पीने की व्यवस्था है वो वहाँ पर नहीं है।